हापुड़ बार एसोसिएशन के चुनाव में रामनिवास बने अध्यक्ष और विकास त्यागी बने सचिव। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ बार एसोसिएशन 2023-24 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसमें देर शाम तक परिणाम घोषित हो गए। मतगणना में अध्यक्ष पद पर 561 मत पाकर रामनिवास ने जीत दर्ज की, जबकि सतपाल सिंह तोमर को 338 वोट ही मिल पाए। वहीं सचिव पद पर विकास कुमार त्यागी ने नवनीत सहलोत को 75 मतों से परास्त किया। दरअसल आपको बता दें कि बार कार्यकारिणी में 8 पदों के लिए बुधवार को मतदान हुआ था, जिसमें 1035 में से 940 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतगणना बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे बार रूम में शुरू हुई, जिसमें 50-50 मतों की गणना के नतीजे माइक पर चुनाव अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा घोषित किए गए। नतीजे जानने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता बार रूम के पास जमे रहे। कुल 19 राउंड में मतगणना पूरी हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर रामनिवास सिंह ने 561 मत पाकर सत्यपाल सिंह तोमर को 223 वोटों से हराया। सत्यपाल सिंह तोमर को 338 वोट मिले। वहीं अध्यक्ष पद के तीसरे प्रत्याशी पुरुषोत्तम वर्मा को मात्र 36 वोट ही मिले। सचिव पद पर विकास कुमार त्यागी 504 मत पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी नवनीत सहलोत को 429 वोट मिल पाए। हापुड़ और हापुड़ के आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।